आप इस वीडियो को देखिए, ये उसी मरकज का वीडियो है जहां जमातियों को कोरोना का संक्रमण हुआ और फिर वो पूरे देश में गए। देखिए कैसे नियमों की अनदेखी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम कोशिशों के बावजूद लोग कैसे एक दूसरे से सट कर बैठे हैं। बेहद खौफनाक है ये तस्वीरें। ये शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृति को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। निजामुद्दीन के मरकज में जमा हुए तबलीगी जमात ने जो किया उससे वाकई देश पर बड़ा संकट मंडराने लगा। जमात में शामिल होकर लोग बस में, ट्रेन में और प्लेन में सवार हुए, फिर देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचे, अलग अलग राज्यों के कोने कोने में पहुंचे। अब इसमें कोई शक नहीं है कि मरकज से निकले ज्यादातर लोग अपने साथ कोरोना का संक्रमण लेकर गए। मरकज से जिन लोगों को निकाला गया था उसमें 536 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 1810 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया, तो टोटल 2346 लोगों को मरकज से रिहा कर निकाला गया था। अब कोरोना की वजह से मौत का शिकार हुए जम्मू कश्मीर के एक 65 साल के कारोबारी का किस्सा सुनिए। वो कारोबारी 7 मार्च को प्लेन से श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा। 9 मार्च तक वो निजामुद्दीन के मरकज में रहा। 9 मार्च को वो ट्रेन से देवबंद पहुंचा। 11 मार्च तक वो देवबंद में रहा। 11 मार्च को ट्रेन से जम्मू पहुंचा। 16 मार्च को सांबा के मस्जिद में रहा। 16 मार्च को प्लेन से जम्मू से श्रीनगर पहुंचा। 16 से 18 मार्च तक सोपोर की मस्जिद में जमात में रहा। 18 मार्च को श्रीनगर में अपने घर लौटा, कोरोना के लक्षण दिखे। 22 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 26 मार्च को कोरोना की वजह से मौत हो गई। यह हकीकत है कि उस कारोबारी ने तबलीगी जमात में हिस्सा नहीं लिया। हाँ, उस मरकज से उसका कनेक्शन जरूर था। आप सोचिए कि उस शख्स ने प्लेन और ट्रेन से सफर करके कितने लोगों की जान को जोखिम में डाला। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीजें, इसको हम नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब पूरा देश परेशान है। दिल्ली से लेकर असम और अंडमान समेत 19 राज्यों में उन लोगों की खोज की जा रही है जो जमात में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए थे। रेलवे ने 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक 5 ट्रेनों की पहचान की है। शक है कि मरकज से निकलकर जमातियों ने अलग अलग तारीखों में उन ट्रेनों से सफर की। वो ट्रेनें हैं गुंटूर के लिए दुरंतो एक्सप्रेस, चेन्नई के लिए ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई के लिए तमिलनाडु एक्सप्रेस, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अब ट्रेन में सिर्फ जमातियों ने तो सफर किया नहीं होगा, लिहाजा रेलवे ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मरकज से निकला संक्रमण कहां कहां तक पहुंचा। इस बीच तबलीगी जमात का आयोजन करने वाले मौलाना साद समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि मौलाना साद का फिलहाल कोई अता पता नहीं है। हमारे जो सबसे पहली कैजुअल्टी हुई वो भी वहीं से निजामुद्दीन से विजिट करने के बाद ही जहां पर लौटे थे, उनके कांटेक्ट की पूरी चेन जो है पहले वो ट्रेस करी, उनको लाया और क्वारंटीन किया। उसके अलावा जो लोग वहां पर विजिट करे हैं जब बाद में उनके कांटेक्ट में आए हैं उनको भी क्वारंटीन करने का सिलसिला जारी। जमात की ओर से अपनी लापरवाही छिपाने और बेगुनाही साबित करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुख्य आयोजक मौलाना साद का एक ऑडियो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सुनिए कैसे उसने मजहब की ढाल बनाकर कोरोना के खौफ को दरकिनार कर दिया। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, ये ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। मरकज में जमा हुए जमातियों ने जो किया उससे केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ गई है। राज्यों की पुलिस को आदेश दिया गया है कि फौरन उन लोगों का पता लगाया जाए जो दिल्ली की जमात में आए थे, लेकिन हद देखिए कि अहमदाबाद में वैसे लोगों को ढूंढने गई पुलिस पर पथराव किया गया
और तेलंगाना में तो लोगों पर विदेशियों को छिपा देने का भी आरोप है। आज तक ब्यूरो।